मैं आई थी वहाँ तो मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी। उसने बोला कि तुम कहाँ का रहने वाला। मैंने बोला बंगाल। मैंने उनसे पूछा भी था कि आप काम तो नहीं करवाओगे ना, तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपको काम नहीं करवाऊंगा, आपको बस पढ़वाऊंगा। फिर वो आदमी मेरे को बोला तुझे घर जानी है क्या करनी है। मैंने बोला हाँ अब नहीं रहना घर जानी। एक दिन मैंने भागने का प्लान किया था कि मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, तो बोला घर जाएगा तो बहुत मारूंगा, यहाँ पर काम करना बोला है। आखिरी बार बोल रहा हूँ मत भागना। मुझे झूठ बोल के लिया है कि सिर्फ तुझे बच्चा खिलाना है और पढ़ाना लिखाना है, ये बोल के लाया था। मुझे जब आई थी मुझे नहीं पता कि ये काम लगाएगा, फिर उसने बोला कि तुझे काम करनी है। वहाँ पे मेरे को 4 बजे उठा देते थे, कहते थे चल तेरी ड्यूटी की टाइम हो गया चली जा। बाबा बैठे रहते थे, मैं बोतल चुन के लाता था, जो सारे पैसे होते थे वो बाबा रखते थे। उसने बोला कि तेरा 1 साल होगा तब घर लग दूंगा, रोएगा फिर भी नहीं लग दूंगा तेरे को घर। वो बुड्ढा ने आया मेरे को डांट रहा है कि तो क्यों यहाँ पर निराश हो गया। तो मैंने बोला मैंने थक जाता था काम करते 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 थक जाता था, सो गया मैंने बोला। तो मेरे को 2 थप्पड़ लगा दिया। मैडम बोलती थी कि सब्जी अच्छा से नहीं बनाती है, रोटी टेढ़ा बनाती है। उसके बाद मैडम मारती थी। उसके बाद मैं भाग गई थी।